हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएसबी शस्त्र सीमा बल की न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। जिन्होंने जी फॉर्म फिल किए थे उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं जी। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कैसे करने हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे वीर चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी की ऑप्शन आ रही है उसको ज़रूर क्लिक करिए, ताकि जो भी हम वीडियो नई लेकर आएँ उसका जो अपडेट है आपके पास सबसे पहले आ जाए। और वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल साइट पर आना पड़ेगा। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पर आप सीधे इसकी ऑफिशियल साइट पर आ सकते हैं। गाइस, जिसकी है ऑफिशियल साइट, इसमें लिखा हुआ है PET and PST फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जिसमें पोस्टों के नेम हैं आया, बार्बर, कारपेंटर, कॉबलर, गार्डनर, पेंटर, प्लम्बर, टेलर एंड वेटनरी एंड वॉशरमैन। जिन्होंने जो पोस्टें फिल की थी उन्होंने सभी के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पेपर स्टार्ट होने की डेट है वो 23 जनवरी 2023 है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड एंड यहां पे आप कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन कर देंगे। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहां पे फॉरगेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, उसके बाद आपने कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद जो अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी भी भूल गए हैं तो उसके लिए भी आप फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपने पोस्ट अप्लाई की है उसको सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ भर के आपने सबमिट कर देना है, आपके पास आ जाएगा सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन आईडी भर के, पासवर्ड और कैप्चा भर के लॉगिन कर देना है। इसको लॉगिन करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई है, एप्लीकेशन स्टेटस जो बताएगा आपको। नीचे आप देख सकते हैं PET रोल नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं PET एंड PST डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट वेन्यू, 27 जनवरी आपको पहुँचना है, 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है आपका। और नीचे आपको एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आपने पहुँचना है। और उसके बाद आप जहाँ से देख सकते हैं नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन। डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के लिए आपको जो नीचे लिखा हुआ है डाउन, इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सर्वर, कई बार सर्वर इश्यू भी आ जाता है क्योंकि साइट थोड़ी सी बिजी चल रही है, इसी करके द कनेक्शन हैज़ बीन टाइम आउट। आप थोड़ी टाइम बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको हमारी ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो साथ में घंटी की ऑप्शन आ रही है उसको ज़रूर क्लिक करिए, ताकि जो भी हम नई वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ओके, थैंक यू गाइस।